जेएनके से कॉलर है हमारे साथ जौहर जी। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैडम, मैं तो पहले विकास सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल है बजाज हाउसिंग फाइनेंस से, वो मैंने लिया है 157 के रेट पे। ओके, और कब तक का व्यू रख रहे हैं आप, कब तक के नजरिए के लिए आपको ये चाहिए इनसे व्यू? मैडम 1 साल। 1 साल के लिए सर। बजाज हाउसिंग फैन, आपका फैन राइट स्ट्रेट फ्रॉम कश्मीर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बाकी कश्मीर में भी देखिए जी बिजनेस बहुत ही पॉपुलर है, अनिल जी भी कई बार बताते हैं, कश्मीर की ट्रिप भी करी थी उन्होंने। बजाज हाउसिंग फाइनेंस इन्होंने थोड़े ऊंचे लेवल्स पे ले लिया है, इशू प्राइस इशू आया था हाल ही में, फिर इशू काफी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुआ था तो लोगों को अलॉटमेंट्स नहीं मिले। इन्होंने भी सेकेंडरी मार्केट से लिया, बट अब मुझे लगता है देखिये वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ता तो नहीं है, बट ये स्टॉक अच्छा करेगा। अगर इनका 2-3 साल का व्यू है तो डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स पैसे बनेंगे। बट शॉर्ट टर्म में अगर ये स्टॉक कोई कारण से जैसे आज ये 10% चला है तो जो भाव थे नीचे के वहां पे थोड़ा बहुत और एवरेज कर सकते हैं इस स्टॉक को। बाकी ग्रेट कंपनी, ग्रेट मैनेजमेंट, मुझे लगता है स्टॉक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा करेगा, तो होल्ड करने की सलाह। ओके, तो बने रहिए, कुछ एवरेज भी कर सकते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। ये आपके लिए आ रही है विकास जी की तरफ से सलाह।